गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक में जो हम एक्टिविटी करेंगे वो है हमारी क्ले मोल्डिंग एक्टिविटी। ये हमारे कलर ऑफ द मंथ के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, हमने रेड एंड येलो कलर के फ्लावर्स बनाए हैं और ग्रीन लीव्स यूज़ करी है इस एक्टिविटी को करने के लिए। चलिए इस एक्टिविटी को करना हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। मैंने एक वाइट कलर का सर्कल कट किया है। इसके बाद हमारे घर के पास खुद कोई भी जैसे लीव्स वगैरह मिलती हैं, जैसे कि ये डिफरेंट लीव्स हैं जो मैंने यूज़ करी है इस एक्टिविटी को करने के लिए। हमें जिस तरह की लीव्स यूज़ करनी है उसको हम कट कर लेंगे और हमने फेविकोल की हेल्प से इसे पेस्ट करना है ताकि एक हम सीनरी बना सकें। ये देखिए, ऐसे मैंने ये ग्रीन लीव्स ली हैं। इसको यहाँ पेस्ट करने के लिए मैं जो हमारी वाइट शीट है इसमें हम ग्लू लगा लेंगे और मैं जिस तरह से पेस्ट करना चाहती हूँ उसको यहाँ पे हम ये देखिए पेस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। आपके पास घर के पास कोई भी कलर की लीव्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह की लीव्स को पेस्ट कर लिया है। देन मैंने ये जो डिफरेंट लीव्स ली थी इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो पार्ट हमारा सर्कल के बाहर आएगा उसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद मैंने जैसे ये क्लिप ली है इसके साथ छोटे छोटे से फ्लावर्स भी हैं, इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देखिए, इसके साथ हमने रेड एंड येलो कलर की क्ले लेनी है और इसको हम रेड कलर की क्ले से सबसे पहले छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने 5 बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से अपने फिंगर से प्रेस करेंगे और एक साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए, और इसे हम जहाँ पे आप फ्लावर लगाना चाहते हो वहाँ पे रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये पेपर के साथ पेस्ट हो जाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है। अब हमने येलो कलर की स्मॉल सी बॉल बनाएंगे और सेंटर वाले पोर्शन में रेड कलर के सेंटर में इसे इस तरह से रख लेंगे। सेम हमने यहाँ पे और बॉल्स बनानी हैं रेड कलर की और इसे एक साथ करेंगे बॉल्स को और जो फ्लावर है रेड कलर के आप बना सकते हैं।
ये देखिए फिर से हम 5 स्मॉल बॉल्स को एक साथ अपने फिंगर की हेल्प से इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे फिंगर से प्रेस करेंगे और हमारी जो फ्लावर है इसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे। सेम इस तरह से हम और भी फ्लावर्स बना सकते हैं और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं, चाहे आप थोड़े से छोटे फ्लावर्स बना लीजिए या थोड़े बड़े फ्लावर्स बना लीजिए। अगर आप चाहो, जैसे हमने 5 यहाँ पे सर्कल्स बनाए हैं, हम यहाँ पे 3 सर्कल का भी फ्लावर बना सकते हैं। 3 सर्कल बनाएंगे और इसको इस तरह से हमारी फिंगर से प्रेस करेंगे और ये फ्लावर बन गए। ये देखिए इस तरह से हम जैसे 4 सर्कल्स को मिला के भी फ्लावर बना सकते हैं, 3 सर्कल को मिला के भी हमने फ्लावर बनाया और यहाँ पे हमने 5 सर्कल्स बना के फ्लावर बनाया। इसे भी हम इसको आप फिंगर की हेल्प से भी प्रेस करके स्टिक कर सकते हैं या तो आप चाहो तो फेविकोल यूज कर सकते हो इसे यहाँ पे चिपकाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे फेविकोल लगाया और इस तरह से यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये तैयार है। इसके बाद हमने रेड वाटर कलर लेना है। इस तरह से रेड कलर ले लेंगे और आपके घर में कोई भी पुराना ब्रश है उसको हम रेड कलर में डिप करेंगे इस तरह से। और ये देखिए आप चाहें तो आपकी फिंगर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। हम ये देखिए फिंगर से ब्रश को करेंगे तो ये हमारे नीचे हल्के हल्के से रेड कलर के जो स्पॉट्स हैं वो आ जाएंगे। दोबारा से हम कलर को डिप करेंगे और इस तरह से हमारे फिंगर से प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रेड कलर के जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं वो नज़र आएंगे। देखिए ये देखिए हमने कितनी इजीली हमारी ये एक्टिविटी फिनिश की है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।